रोल ओवर की परफेक्ट मल्टीमीटर से टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले इसके यहाँ से जो कपलर कनेक्शन है इसे ओपन करेंगे और इसके वायरिंग के बारे में पहले समझेंगे। जब तक के इसके वायरिंग के बारे में आपको समझ नहीं होगा, जब तक आप इसके प्रॉब्लम तक पहुँच नहीं सकते। तो देखें, तीन वायर इसके अंदर रोल ओवर सेंसर के अंदर लगा हुआ है। पहला जो अगर कलर कोड की मैं बात करूँ तो रेड प्लस ब्लू कलर, दूसरा इसका येल्लो प्लस ब्लैक कलर, और तीसरा जो है देखें तो कुछ इस मेरून टाइप का, और इसके अंदर एक ग्रीन पट्टी बनी हुई है। कैसे चेक करेंगे? तो ये जो रेड वाला वायर है इसके अंदर आपका रेफरेंस वोल्टेज आएगा, ये इस सेंसर का ग्राउंड है और यह इस सेंसर का सिग्नल है। चेक करने का तरीका क्या है? सबसे पहले मल्टीमीटर को हम 20 वोल्ट पे सेट करेंगे। मल्टीमीटर से सबसे पहले इसका रेफरेंस वोल्टेज चेक करेंगे कि रेफरेंस वोल्टेज आ रहा है या नहीं। बनकर रेफरेंस वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी वोल्टेज पे सेट किए हैं, और यहाँ पे इसका जो रेड प्लस ब्लू कलर का वायर है उसके अंदर हम रेड प्रोब को ऐड करेंगे और चाबी स्विच और किल स्विच को ऑन करके और यहाँ से ग्राउंड ऐड करेंगे, तो रेफरेंस वोल्टेज जो हमें देखने को मिलेगा 5 वोल्ट का देखने को मिलेगा। ये चीज़ हमेशा याद रखें, रेफरेंस वोल्टेज कितना 5 वोल्ट का देखने को मिलेगा। और जैसे इसके सिग्नल वाले वायर को चेक करेंगे, ये भी ECM से ही कनेक्ट होता है और रेफरेंस वोल्ट से भी इसके ECM से आता है, तो इसमें हमें 5 वोल्ट से नीचे देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे मैकेनिक भाई जो कन्फ्यूज रहते हैं कि कौन सा रेफरेंस के लिए है, कौन सा सिग्नल के लिए है, तो जितना रेफरेंस वोल्टेज आएगा उससे कम ही वोल्ट सिग्नल वाले वायर में देखने को मिलेगा। देखें ये क्या हुआ कि 4.54 इस तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी ये 5 वोल्ट से नीचे वोल्टेज है। तो जिसमें 5 वोल्ट से नीचे वोल्टेज हो वो सिग्नल है, जो 5 वोल्ट से पार जा रहा हो वो इसका रेफरेंस वोल्टेज है। दो चीज़ क्लियर हो गया सेंसर को वर्क करने के लिए। एक और चीज़ जब तक नहीं होगा, जब तक हमारा सेंसर अधूरा है, वो है इस गाड़ी का बीप। तो जैसे इसके हम यहाँ पे जो वायर है पिंक प्लस ब्लू कलर, उसको एक वायर यहाँ पे ऐड करेंगे और दूसरा ग्राउंड पे ऐड करेंगे तो बीप बजेगा। ये देखें बीप का साउंड आना शुरू हो गया और बीप भी काफ़ी तेज़ी से बज रहा है। तो यहाँ तक क्लियर हो जाता है कि हमारा रेफरेंस वोल्टेज सही है, सिग्नल के लिए वोल्टेज जो आना चाहिए यानी ECM के बीच का कनेक्टिविटी परफेक्ट है और ग्राउंड भी काम कर रहा है। अब ये चीज़ पता लगाना एकदम काफ़ी टफ हो जाता है कि ये जो रोल ओवर सेंसर है, बैंक एंगल सेंसर, ये ख़राब है या सही, कैसे पता करें? चेक करने का एकदम आसान मेथड बता देता हूँ जो आपको आज तक किसी ने बताया नहीं होगा। बाईपास का तरीका काफ़ी आसान है, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये सही है या ख़राब। चलिए टेस्ट इसका चेक करने का मैं तरीका बताता हूँ। अब मैंने एक चीज़ आपको बताया कि रोल ओवर सेंसर को लेकर देखिए इस तरह से कोड आएंगे, बट काम अलग अलग रहेगा। जब आपको कोड दिखे P1503 रोल ओवर सेंसर शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड, पहला एरर, दूसरा है P1504 रोल ओवर सेंसर शॉर्ट सर्किट टू बैटरी, अलग अलग कोड है रोल ओवर सेंसर को लेकर। यहाँ ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो रहा है, यहाँ बैटरी के साथ शॉर्ट हो रहा है। P1502 रोल ओवर सेंसर सर्किट ओपन, यानी रोल ओवर सेंसर खुला हुआ है। चौथा एरर है P1501 रोल ओवर सेंसर सर्किट सिग्नल नॉन पॉसिबल, अगर सिग्नल परफेक्ट नहीं मिलता जब भी ये एरर आएगा। तो अलग अलग कोड के लिए अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिल सकता है। चेक करने का मेथड आप समझिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है रोल ओवर सेंसर को चेक करें कैसे, ये सारा मेथड आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं टेस्टिंग का मेथड बताता हूँ। इनपुट आउटपुट रेफरेंस वोल्टेज, अगर सारी चीज़ें सही है तो एंड में आपका ECU तक कनेक्टिविटी चेक करना पड़ेगा कि कहीं बीच में से तार कटा तो नहीं है। वायर जो हम ऐड करेंगे पिन 1 और पिन 3 में ऐड करेंगे। पहला रेड प्रोब को हम पिन 1 में ऐड कर देंगे इस जगह पर, और दूसरा प्रोब जो है वो इसके पिन 3 में ऐड कर देंगे। जब तक ये पतले प्रोब आपके पास वायरिंग कटा हुआ नहीं रहेगा, अलग अलग टेस्टिंग के दौरान मैं अलग अलग चीज़ों को उपयोग में लाता हूँ। अभी आपने देखा कि यहाँ पे मैं अलग चीज़ को उपयोग कर रहा हूँ। ये ऐड करने के बाद सेंसर इस तरह से इसके अंदर आपको फिट कर देना है। परफेक्ट साउंड सुनाई दिया, फिट हो गया। अब ये जो दोनों प्रोब है वो हम मल्टीमीटर के अंदर सेट कर देंगे, कॉमन को कॉमन के अंदर डाल देंगे और ये जो पॉजिटिव है इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, और फिर से इसके डायरेक्शन को हम 20 वोल्ट पे ले जाएंगे। और जैसे 20 वोल्ट पे ले जाएंगे तो जहाँ पे इस डायरेक्शन को चेक करना, अभी दिखाते हैं आपको। अब इसके चाबी स्विच को मैंने
ऑन कर दिया। जैसे ही चाबी स्विच को ऑन किया, आपको रीडिंग क्या देखने को मिला, 5.1। अब इसके मैं डायरेक्शन को चेंज करता हूँ। अब इसके चाबी स्विच को ऑन करेंगे। अभी देखिए, जैसे मैंने इसके चाबी स्विच को ऑन किया तो रीडिंग क्या दिख रहा है, 1.39। और जैसे इसके डायरेक्शन के अंदर हम बदलाव करेंगे, फेर बदल करेंगे, तो रीडिंग में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। ये देखें, ये होता है लाइव प्रूफ। तो इससे हमारा जो क्लियर पता चलता है कि हमारा जो बैक एंगल सेंसर है, जैसे जैसे ये रोल ओवर सेंसर को मैं रोल करता हूँ इसके राइट हैंड साइड पे या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ से ये जो ECM को सिग्नल परफेक्ट तरीके से प्रोवाइड कर रहा है, ये क्लियर होता है इसका टेस्टिंग मेथड। इसमें आपको एक्स्ट्रा वायर करके बाईपास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर ये मेथड आपको बता रहा। ये अभी देखें 90 डिग्री पे है, रीडिंग इतना आ रहा है 1.93, और जैसे डायरेक्शन को चेंज करेंगे 4.6, यानी सिग्नल इसका गाड़ी का जो है परफेक्ट काम कर रहा है। तो ये है 100% टेस्टिंग, इसका लोकेशन, इसका वायरिंग, इसका पी कोड, इसका PDF। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को शेयर किया इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको हेल्पफुल भरी जानकारी मिली हो, सीखने लायक चीज़ें मिली हो, टेस्टिंग का मेथड पता चल गया हो। और भी इसके लेकर अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा कन्फ्यूजन है या आप भी इस चीज़ को लेकर जानना चाहते हैं जो अभी तक आप नहीं जान सके हैं, तो हमें आप वीडियो के थ्रू कमेंट कीजिए, कमेंट के थ्रू हमें बताइए, ताकि आपको मैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बता सकूं क्या क्या ऐसी खराबी आती है इसके अंदर, एरर कोड को कैसे फाइंड किया जाता है, फ्यूल फिल्टर को कैसे चेक किया जाता है, ABS मोटर की टेस्टिंग कैसे की जाती है। तो हमें कमेंट के थ्रू बताइए। रेडिएटर फैन का नॉट वर्किंग का तो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। कोई भी सेंसर या एक्चुएटर की जानकारी चाहिए हो हमें बताइए, मैं उसका डिटेल में वीडियो आपको बना के प्रोवाइड करूँगा।